इस आंदोलन में बड़ी तादाद में महिला अभ्यर्थी भी आई हैं, उनकी क्या परेशानियां उनसे सुनते हैं। आप लोग कहाँ से आई हैं और क्या परेशानी है? जी हम यही रहते हैं रूम लेके, और परेशानी ऑब्वियसली सबकी सेम ही है। हम लोगों को नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए। एक जन्म एग्जाम जैसे पहले होता था, पीसीएस की परीक्षा कभी सिर्फ इस साल नहीं हो रही है, बहुत सालों से होती आ रही है। तो हम चाहते हैं जिस तरह से पहले परीक्षाएं होती थी वैसे अभी भी हो। हम लोग लड़कियां हैं, हमारे घर से समाज से इतना प्रेशर है, वही हमारे दिमाग पे इतना, खुद ऑलरेडी हम इतना परेशानी झेल के पढ़ाई करने आए हैं। यहाँ बच्चे एक साल की फीस निकालते हैं, कैसे निकालते हैं वो हम लोग जानते हैं, घर वाले कैसे अफोर्ड कर पा रहे हैं बहुत बड़ी बात है। फिर हम सिस्टम से लड़ना अफोर्ड नहीं करते हैं यहाँ पे, तो इन लोगों को चाहिए कि हमारा सहयोग करें। कल सुबह से हम लोग धरना दे रहे हैं, इन लोगों के कान पे जूं भी नहीं रेंग रही है, अभी तक कोई आया नहीं है हमारी तरफ से हमारा पक्ष सुनने के लिए। जो लोग आ रहे हैं वो बस अपनी सफाई पेश कर रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन सही है, उनके हिसाब से पता नहीं क्यों सही है, क्योंकि वो सिलेक्टेड है, वो लाइन के उस पार है, हम इस पार है, तो हमें कमियां दिख रही हैं, हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। हम लोग यहाँ से तब तक नहीं लेंगे जब तक नोटिस नहीं मिल जाती है, वन शिफ्ट वन डे। हम नहीं, क्या कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है यहाँ के आयोग के अधिकारियों के? नहीं नहीं, अभी तक कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, सिर्फ डीएम साहब आए थे और उन्होंने बस नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया सही है, वो बस यही बता रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया सही है। हम लोग इसका भरपूर विरोध करते हैं क्योंकि एकदम गलत है ये, और कल सुबह से बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, ड्रम पीट रहे, थाली पीट रहे, कोई आयोग से कोई सुनवाई नहीं आ रही है, बहुत गलत चीज है। वन डे वन शिफ्ट हम लोग लेके ही रहेंगे, और ये बहुत सालों से परीक्षा हो रही है, बहुत गलत है। क्या एक ही शिफ्ट में तो हो रही थी पेपर, आज क्यों फिर दो शिफ्ट में, चुनाव एक शिफ्ट में हो रहा है, और नॉर्मलाइजेशन के लिए क्यों विरोध हमने करें? हम करेंगे, और जब तक आयोग नोटिस नहीं दे देता हम नहीं जाएंगे, हम यही रहेंगे। सी सेट को लेकर भी आपका विरोध है? बिल्कुल, सी सेट जो है वो पासिंग होता है, मतलब अनिवार्य होता है कि उसमें हमें 33% लाना ही होता है। उसको लेकर के किस तरह से ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाएंगे, कोई वैज्ञानिक पद्धति ऐसी है नहीं, एक वैज्ञानिक दंश है नॉर्मलाइजेशन, समझ लीजिए। और ये जो सरकार है, एक सीधी सी हमारी सीधी सा हमारी सवाल है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन कंट्री वन इलेक्शन, है ना, ये सारी चीजें वो बड़े गर्व से पेश कर रही है। उसके पहले कमेटियां बनाती है, उसकी कमियां उसकी अच्छाइयां सब देखी जाती है। इतने बड़े बड़े अभी रामनाथ कोविंद उसके अध्यक्ष थे, वन डिस्ट्रिक्ट वो इलेक्शन वाले थे। तो हम बस ये कह रहे हैं कि आप इतनी बड़ी मतलब संख्या में बच्चे हैं, 17.5 लाख कुल मिला के बच्चे हैं, हम कल सुबह 11 बजे से हैं, शाम तक आप सोच नहीं पाए, फिर आज सोचने का वक्त ले रहे हैं। और हम पहली बार नहीं कि उठ के आ गए कि आंदोलन करेंगे, हमने पहले ट्विटर आंदोलन किया है ना, सोशल मीडिया का जमाना है ना, हम पहले आए सोशल मीडिया पे, हमने अपनी बात रखी, हमने 50,000 स्पीड पोस्ट किया, हमने हम खुद पैसा लगा के और मजबूर किया हमें, अब यहाँ मजबूर कर दिया आने के लिए, अब कह रहे हैं अराजक तत्व है, हम लोग अराजक तत्व है, अपनी पढ़ाई बताइए, हमें पढ़ना चाहिए ना, हम क्या कर रहे हैं? हमारे माता पिता अभी आप देख रहे हैं कहेंगे कि क्या, अब हम क्या करें, हम मजबूर है बोलने के लिए, क्या करें, कहाँ जाए, बताइए आप। तो महिला अभ्यर्थी भी यहाँ पर बड़ी तादाद में आई है, उनका कहना है कि जिस तरीके से ये आंदोलन चल रहा है, एक सिस्टमेटिक तरीके से उन्होंने आवाज उठाई है, और उनका दावा है कि ये पूरा जो आंदोलन है वो जायज है, वो अपनी मांगे जब तक पूरी नहीं होती तब तक यहाँ पर वो जो पुरुष अभ्यर्थी उनके साथ कंधे में कंधा मिलाकर चलती रहेंगी, और ये आंदोलन अपनी परिणति को पूरा करेगा। प्रियसिंह, टीवी9 न्यूज़, प्रयागराज।